दोस्तों आज हम एक ऐसी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं जो पूरे देश के युवाओं की प्रेरणा है। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखकर संघर्ष के बाद जो सफलता हासिल की वह अपने आप में मोटिवेशनल स्टोरी है। यही कारण है कि आज इन्हें भारतीय युवाओं का मोटिवेशन आइकॉन माना जाता है। ये अपने मोटिवेशनल सेमिनार और इंस्पायरिंग वीडियो के माध्यम से युवाओं को मोटिवेट करते हैं और वो शख्स है संदीप माहेश्वरी। दोस्तों संदीप माहेश्वरी का जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिता रूप किशोर माहेश्वरी का एल्युमिनियम का बिजनेस था। संदीप जब पढ़ाई कर रहे थे तभी किसी कारणवश इनके पिता का एल्युमिनियम का बिजनेस बंद हो गया, जिसके चलते परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, जिसके कारण संदीप ने 12वीं के बाद पढ़ाई के साथ ही जॉब करनी शुरू कर दी। उन्होंने छोटी मोटी नौकरी शुरू कर दी और साथ ही किरोडीमल कॉलेज से बीकॉम करने लगे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। दोस्तों संदीप के पिता का बिजनेस जब बंद हुआ था तब संदीप 10वीं क्लास में थे। इनके पिता ने बिजनेस बंद होने के बाद पीसीओ शॉप खोली थी जहां पर संदीप भी काम करते थे। इसके बाद इन्होंने घर पर ही एक लिक्विड शॉप बनाया जिसे वे घर घर जाकर बेचते थे। इस कारण से उन्हें जो पैसे मिलते थे उससे घर का खर्च चलता था। हालांकि यह काम भी ज्यादा दिन नहीं चला और बंद हो गया। वहीं दोस्तों इसके बाद संदीप ने मॉडलिंग की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहा। हालांकि यहां भी संदीप को ज्यादा सफलता नहीं मिली। यहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे युवा इस फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें मोटिवेट करने का कार्य करूं। जिसके बाद इन्होंने अपना टारगेट बदला और लोगों को अपने अनुभव के आधार पर मोटिवेट करने लगे। इस दौरान इन्होंने फोटोग्राफी में भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। दोस्तों हर फील्ड में लगातार मिल रही असफलताओं के बाद भी संदीप हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी खोल ली, लेकिन यहां भी वे असफल रहे। कुछ समय बाद इसे भी बंद करना पड़ा। इसके बाद उनके एक दोस्त ने उन्हें एक मल्टीनेशनल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करवाई, जहां पर कुछ दिनों के कार्य के बाद संदीप का मन नहीं लगा और इसे भी छोड़ना पड़ गया। इसके बाद संदीप ने वर्ष 2002 में अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी खोली। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार वह सफल हो जाएंगे दोस्तों, लेकिन यह कंपनी केवल 6 महीने ही चल पाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। संदीप ने एक इंटरव्यू में बताया कि इन असफलताओं के बाद मैं काफी परेशान रहने लगा, क्योंकि मैं जिस भी कार्य को करता उसमें असफलता के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। उनके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वह अपने परिवार में सबसे बड़े थे और उनकी एक छोटी बहन थी। वहीं दोस्तों संदीप माहेश्वरी को मॉडलिंग के समय से ही फोटोग्राफी में रुचि थी। जब भी उनका मन बेचैन होता तो वो अपना कैमरा लेकर फोटोग्राफी करने निकल पड़ते थे। वो उन फोटो को स्टोर करके रखते थे। उन्होंने साल 2003 में 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल्स के 10,000 से भी ज्यादा अलग अलग फोटोज ली। इस बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस बार उन्हें इस काम में सफलता मिली। वे अपने इस सफल प्रयास से बहुत खुश थे और यहीं से उन्होंने फोटोग्राफी में ही अपना कैरियर बनाने का फैसला लिया। दोस्तों संदीप माहेश्वरी ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद खुद की एक कंपनी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम imagebazaar.com है। शुरू में इस वेबसाइट से उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि उस समय इस वेबसाइट में कम फोटोज हुआ करती थी। संदीप शुरू में इंडियन मॉडल्स और इंडियन फोटोग्राफर की फोटो डालते थे। समय के साथ साथ वह इस वेबसाइट के डिजाइन बेहतर बनाते गए। वो इस पर दिन रात मेहनत करने लगे, जिसके बाद उन्होंने इस वेबसाइट में वर्ल्ड वाइड मॉडल्स के फोटोज भी डालने लगे। वहीं आज इमेज बाजार में करोड़ों फोटोज हैं। उन्होंने 26 साल की उम्र में इस कंपनी की शुरुआत की थी और 29 साल की उम्र में संदीप माहेश्वरी भारत के प्रसिद्ध युवा उद्योगपतियों में गिने जाने लगे। आज संदीप माहेश्वरी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग असफल हो जाते हैं उनका साहस बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं दोस्तों कुछ समय पहले संदीप और बिजनेस कोच विवेक बिंद्रा के बीच कंट्रोवर्सी हुई थी। दरअसल यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 11 दिसंबर 2023 को बिग स्कैम एक्सपोज्ड के नाम से एक 10 मिनट का वीडियो डाला। बस पूरा विवाद इसी वीडियो से शुरू हुआ। इस वीडियो में 3 लड़कों ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने भारत के काफी बड़े यूट्यूबर यानी विवेक बिंद्रा से एक बिजनेस का कोर्स 50,000 रुपए में खरीदा, लेकिन उन लड़कों को कोर्स खरीदने के बाद यह पता चला कि इस कोर्स से वो बिजनेस नहीं सीख रहे हैं। इनके मुताबिक इस कोर्स की वैल्यू कुछ भी नहीं थी और आए दिन ऐसे स्कैम में लाखों लोग फंसते हैं। तो दोस्तों यही वो बातें थी संदीप जी के बारे में। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।